नमस्ते मेरे सारे भाइयों बहनों को, कॉलेज स्टूडेंट हो तो ये वीडियो है बहुत ही ज्यादा जरूरी। इस वीडियो में मैं दूंगा कॉलेज गाइडेंस, करियर गाइडेंस। दोस्तों जब मैं खुद 18 साल का था, जब मैं 22 साल का भी था ना, तो मुझे ये चीजें पता नहीं थी, और अगर मुझे ये चीजें पता होती तो मेरा पूरा करियर ना और ज्यादा आसान हो जाता। इसलिए हम मना रहे हैं ये वीडियो, 6 मिस्टेक्स दैट कॉलेज स्टूडेंट्स मेक दैट रुइन करियर्स। दोस्तों ये इंजरी को मत देखो, इंजरीज होती रहती हैं। अब इसे देखो, ये है एक एक्सपीरियंस्ड माइंड। मैं 26 साल का हो गया हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज से बहुत कुछ सीखा है, और उन्हीं लर्निंग्स को मैं आपके सामने ला रहा हूँ इस वीडियो में। प्लीज ये वीडियो एंड तक देखिए। रूल नंबर 1, मार्क्स की बात। भारतीय सोसाइटी की सबसे बड़ी गलती है कि हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि मार्क्स मैटर टू मच। दोस्तों मार्क्स डू नॉट मैटर एज मच एज योर टीचर्स एंड योर पेरेंट्स टेल यू। आपके टीचर्स और पेरेंट्स आपसे कहते रहेंगे कि यार अगर आप फेल हो गए ना, आपका पूरा करियर खत्म हो गया, अगर आपको बुरे मार्क्स मिले आपका करियर खत्म हो गया। दोस्तों फेल होना एक बुरी बात है, आपको फेल नहीं होना चाहिए, आपको डेफिनेटली पास होना चाहिए आपके एग्जाम्स में। पर अगर आप एग्जाम्स में अच्छे स्कोर्स नहीं ला रहे हो, इसका ये मतलब नहीं कि आपका करियर भी खराब हो जाएगा। आपके करियर की सफलता डिपेंड करती है आपकी मेहनत पे और आपके स्मार्ट्स पे। दो प्रकार के इंटेलिजेंस होते हैं, होशियारी दो प्रकार की होती है। पहली होती है बुक स्मार्ट होशियारी, दूसरी होती है स्ट्रीट स्मार्ट होशियारी। अगर आपको करियर में दूर जाना है, डेफिनेटली अगर आप टेक्निकल इंडस्ट्री में हो जैसे कि मेडिसिन या इंजीनियरिंग, और आपको उसी फील्ड में करियर बनाना है, आपको बुक स्मार्ट पर ध्यान देना चाहिए। पर और कोई भी इंडस्ट्री में आपको स्ट्रीट स्मार्ट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। स्ट्रीट स्मार्ट होते क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स, जुगाड़, एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एनालिटिकल थिंकिंग। आपके इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ जानना, आपके इंडस्ट्री को पढ़ना, और खुद से ये पूछना कि यार मैं ये इंडस्ट्री में इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से कैसे कर सकता हूँ, वो होती है एनालिटिकल थिंकिंग। कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की जाए तो आप तो जानते ही होंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं बहुत ही ज़रूरी। और तीसरी चीज़ जुगाड़। देखो दोस्त, कोई भी करियर से डरो मत, कोई भी इंडस्ट्री से डरो मत। अगर आप लाइफ में जुगाड़ करते हो ना, वही स्किल आपको करियर में लानी है, वो होती है स्ट्रीट स्मार्ट्स। स्ट्रीट स्मार्ट की बात तो हो गई, पर ये भी आपको जानना चाहिए कि बुक स्मार्ट्स का महत्व भी होता है आपके करियर में। स्पेशली जो आपका पहला जॉब होगा ना, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स आपके मार्क्स देखते हैं, आपकी परफॉर्मेंस देखते हैं कॉलेज में, क्योंकि उनके लिए क्या ज़रूरी है कि यार ये बंदे को जो मैं एम्प्लॉय कर रहा हूँ ना, क्या इसके मार्क्स अच्छे हैं? अगर इसके मार्क्स अच्छे हैं यानी कि ये थोड़ा सा मेहनती बंदा होगा। तो कोई कोई एम्प्लॉयर्स आपके बुक स्मार्ट्स को भी देखते हैं, बट ट्रस्ट मी, स्ट्रीट स्मार्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और बुक स्मार्ट्स की बात आई तो जस्ट पास इन ऑल योर एग्जाम्स, डोंट फेल। इफ यू कैन देन स्टडी टू डू रियली वेल। दूसरा पॉइंट, फेस्ट पार्टिसिपेशन। देखो दोस्त, इंडिया के हर कॉलेज में ना फेस्टिवल्स तो होते ही हैं, कॉलेज फेस्ट होते हैं, स्पोर्ट्स फेस्ट, टेक फेस्ट, कल्चरल फेस्ट। और आपको ये भी जानना चाहिए कि हर कॉलेज में दो प्रकार के पागलपन भी होते हैं। एक प्रकार का पागलपन होता है बीइंग ऑब्सेस्ड विद फेस्ट, मानना कि यार फेस्ट ना मेरी जान है, फेस्ट से ही मेरा पूरा करियर बन जाएगा, मेरे को कमेटी में आना है, मेरे को जनरल सेक्रेटरी बनना है। वो प्रकार का पागलपन भी बहुत बुरा पागलपन होता है। आपको ये जानना चाहिए कि जनरल सेक्रेटरी बन के, कमेटी में रह के ना, आपके करियर के लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा, आपके करियर को फायदा नहीं होगा उस बात से। हाँ, आप बहुत प्रकार के चीज़ें सीखेंगे, आपके स्ट्रीट स्मार्ट जरूर डेवलप होंगे, बट डू नॉट ऑब्सेस ओवर जॉइनिंग द कमेटी। आपके दिमाग और दिल में ये नहीं होना चाहिए कि यार मुझे बस कमेटी ज्वाइन करनी है और कुछ नहीं करना है लाइफ में, मैं अगर दोस्ती भी तोड़ लूँ, मैं अगर लोगों के दिल भी तोड़ लूँ, कोई बात नहीं, मैं तो कमेटी में पहुँच कर ही रहूँगा या रहूँगी। ये बात पागलपन है, प्लीज डोंट फॉलो दिस। पर दूसरे प्रकार का पागलपन है उन लोगों का पागलपन जो बिल्कुल फेस्ट में पार्टी नहीं लेते। उन्हें लगता है कि यार फेस्ट क्या चीज है, मैं बस यहाँ बैठकर दारू पीऊंगा, गांजा मारूंगा। ऐसे बहुत सारे इंडियन यूथ सोचते हैं, मुझे ये पता है, वो भी गलत अप्रोच होती है। यार देखो, कॉलेज टाइम को ना नशे में वेस्ट मत करो, प्लीज एक्टिव रहो, फेस्ट में पार्ट लो। अगर आपको कल्चरल फेस्ट अच्छा नहीं लगता है, बहुत प्रकार के फेस्ट होते हैं कॉलेज में, आप फेस्ट में पार्ट लेकर ना बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर आपने कोर कमेटी भी नहीं ज्वाइन कर ली, और अगर आप सब कमेटी में हो या कमेटी में ही नहीं हो और बस फेस्ट में काम कर रहे हो, वहाँ बनती हैं आपकी कॉलेज की मेमोरीज, और वहाँ बनता है आपका बेसिक वर्क एक्सपीरियंस बिफोर योर करियर। आपके करियर के स्टार्ट होने से पहले आप यहाँ ना वर्क एक्सपीरियंस सीख रहे हो, आप जुगाड़ सीख रहे हो छोटे मोटे काम करके, और वो जुगाड़ की स्किल ही आपके करियर को भी दूर पहुँचाएगी। तो प्लीज़
स्ट्रेस में थोड़ा सा एक्टिव रहिए पर पागलपन के साथ एक्टिव मत रहिए। तीसरा पॉइंट बहुत ही सिंपल है, बिल्डिंग योर सीवी थ्रू क्रिएशन। मेरा क्या मतलब है? मेरा ये मतलब है कि कॉलेज टाइम के दौरान आप एक चीज, अगर ये एक चीज करोगे ना, आपका पूरा सीवी बिल्डअप हो जाएगा आपके करियर के लिए। दोस्तों, ब्रिंग वर्कशॉप्स टू योर कॉलेज एंड ब्रिंग न्यू क्लब्स टू योर कॉलेज। आप अगर आपके प्रिंसिपल के साथ बात करेंगे ना और आप उनसे कहेंगे कि यार आई वॉन्ट टू ब्रिंग दिस वर्कशॉप, आई वॉन्ट टू ब्रिंग दिस क्लब टू द कॉलेज। आपको अगर हैकिंग वर्कशॉप लानी है, चेस की वर्कशॉप लानी है, कोई स्पोर्ट्स वर्कशॉप लानी है, या आपको स्पोर्ट्स क्लब स्टार्ट करना है, एंटरप्रेन्योरशिप क्लब स्टार्ट करना है, रीडिंग क्लब, म्यूजिक क्लब, ये सब स्टार्ट करना है ना, इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कॉलेज प्रिंसिपल्स। और उसके साथ साथ आपका सीवी भी इन चीज़ों की वजह से ना चमकने लगता है। जब आप सेकेंड ईयर तक पहुँच जाते हो ना, आपके प्रिंसिपल से बात करो, आपके सीनियर से बात करो और खुद से पूछो कि यार मैं कौन सी चीज़ के बारे में पैशनेट हूँ, और उसी पैशन को अपने कॉलेज में लाइए। बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो अपने वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं और उन्हें ना कॉलेज एम्बेसडर्स चाहिए रहते हैं, उन्हें कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए रहते हैं। उन्हीं कंपनीज को अप्रोच कीजिए और कहिए कि यार मैं मेरे कॉलेज में आपकी कंपनी का एक विंग सेटअप कर लूँगा या आपकी कंपनी का एक क्लब सेटअप कर लूँगा। चलो कंपनी की बात भी छोड़ दो, अगर आपको क्लब सेटअप करना है, आपको बेसिकली खुद को पूछना है कि यार मैं किस चीज़ के बारे में पैशनेट हूँ। म्यूज़िक के बारे में पैशनेट हूँ, मैं कॉलेज में म्यूज़िक क्लब स्टार्ट कर लूँगा। और इस चीज़ से ना आपका सीवी बहुत चमकने लगेगा, ये प्लीज़ कीजिए। चौथा पॉइंट बहुत ही सिंपल, इंटर्नशिप्स। दोस्तों, जितना भी आप कॉलेज में सीखोगे ना, वो आपके इंटर्नशिप्स के सामने रहेगा एकदम चुन्नू सा, छोटा सा। आपको ये याद रखना चाहिए कि इंटर्नशिप से आपको मिलती है असली जुगाड़ की सीख, असली करियर की सीख और रियल वर्ल्ड नॉलेज। इंटर्नशिप के समय चाहे आपको कॉफ़ी लानी है लोगों के लिए, चाय लानी है लोगों के लिए, लोगों के पेपर जेरोक्स भी करने हैं, ठीक है यार, इट डजेंट मैटर। ओल्डर पीपल से बात करके आप बहुत कुछ सीखोगे, आपका माइंड एक्सपैंड होते जाएगा। कॉलेज की एक बहुत बुरी बात है कि यार जब आप कॉलेज में होते हो ना, आपके पर्सपेक्टिव्स बिल्कुल आपके फ्रेंड्स के पर्सपेक्टिव जैसे हैं। आपके आसपास सिर्फ आपके फ्रेंड्स हैं जो आपकी उम्र के लोग होते हैं। तो प्लीज़ कॉलेज के बाहर निकलो और आपके उम्र से ज़्यादा उम्र के लोगों से बात कीजिए। और ये कहाँ होगा? इंटर्नशिप्स में होगा मेरे दोस्त। प्लीज़ इंटर्नशिप्स करो कॉलेज के टाइम। अगर आपको ये नहीं पता कि मैं इंटर्नशिप कैसे ढूंढूंगा, बस गूगल पर सर्च कीजिए गेट कॉलेज इंटर्नशिप्स इन मुंबई, इन दिल्ली, इन बैंगलोर, इन कानपुर, इन असम, इन गुजरात, इन गोवा, जहाँ भी आप हो वहाँ होंगे इंटर्नशिप्स। सर्च फॉर देम, डू देम। पांचवा पॉइंट है थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल। अगर आपने हमारा इंग्लिश स्पीकिंग वीडियो देखा होगा, उस वीडियो के एंड में मैं कहते रहता हूँ कि यार डोंट फोकस टू मच अबाउट इंग्लिश, डोंट बी दैट स्केर्ड अबाउट नॉट नोइंग इंग्लिश। मेरा ये मतलब है कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती ना, इतनी कुछ बड़ी बात नहीं है। अंग्रेजी ना जानना और लोगों का उस बात पर हंसना कि यार ये अंग्रेजी नहीं जानता, हा हा सो इंपीरियर, ये है एक ब्रिटिशर्स की राज का आउटकम, ये है एक रेसिस्ट आउटकम। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती कोई भी बड़ी बात नहीं है, पर आपको ये भी जानना चाहिए कि प्रोफेशनल दुनिया में ना अंग्रेजी थोड़ी सी अप्रिशिएटेड होती है। अगर आपको अपना करियर और दूर लेके जाना है तो एक लैंग्वेज के बदले अगर आपको दो लैंग्वेज के बेसिक्स आते हैं ना, वो आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत बन सकती है आपके करियर में। देखो दोस्त, हिंदी, पंजाबी, तमिल, जहाँ भी आप रहते हो ना, वहाँ की लैंग्वेज तो आपको आती ही होगी, पर उसके साथ साथ अगर आपको इंग्लिश के बेसिक्स आते होंगे ना, अगर आपको बेसिक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश आती होगी, तो फिर आपको होगा बहुत बड़ा फ़ायदा, वो आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत बनकर रहेगी। इसलिए मेरे दोस्त, प्लीज़ थोड़ी सी इंग्लिश पर भी फोकस कीजिए। और दोस्त, इंग्लिश को और ज़्यादा इम्प्रूव करना आसान होता है। अब YouTube इंग्लिश चैनल्स देख लीजिए, जैसे कि हमारा इंग्लिश चैनल, वहाँ भी हमारी इंग्लिश होती है बहुत ही बेसिक, प्लीज़ वो देख लीजिए। आप सेंटेंस कंस्ट्रक्शन समझेंगे और अच्छे से, आप ग्रामर समझेंगे और अच्छे से, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, आप प्रोनंसिएशन यानी कि एक शब्द को कैसे आप कहते हैं ना, वो आप समझोगे इंग्लिश चैनल देख कर। हमारा इंग्लिश चैनल देख लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और छठा पॉइंट, फाइनल पॉइंट, ओनली लुकिंग फॉर जॉब्स इन योर फील्ड। ये ना लोगों की एक बहुत बड़ी गलती होती है। लोग सोचते हैं कि यार मैंने 4 साल इंजीनियरिंग की, अब मुझे सिर्फ इंजीनियरिंग के जॉब्स ढूंढने पड़ेंगे। ये होती है बड़ी गलती, बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द रैट रेस। रैट रेस यानी कि लाइफ की रेस। आपके आसपास जो लोग कर रहे हैं ना, आपको लगता है कि यार हाँ इतने लोग कर रहे हैं, यानी कि सही कर रहे हैं, चलो मैं भी करता हूँ, और फिर आप गलत करियर में फंस जाते हैं। ये बात याद रखिए, ऐसे ही सिचुएशन की वजह से हजारों भारतीय के करियर बर्बाद हो जाते हैं। तो प्लीज़ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन,
प्लीज़ रैट रेस में मत फंसिए। अगर आपके आसपास के दोस्त एक ही करियर कर रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि यार ये ऐसा करियर क्यों कर रहे हैं, तो खुद के दिल की बात सुनो। प्लीज़ ब्रेक ले लो कॉलेज के बाद, जॉब मत करो और फिर एक ऐसा जॉब ढूंढो जहां आपको मज़ा आए उस जॉब में। आजकल के ज़माने में आप बहुत प्रकार के जॉब्स कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको और जानना है हमने एक वीडियो बना लिया है उसके ऊपर। एंड फाइनली अगर आपको इंग्लिश और बढ़ानी है, कम्युनिकेशन स्किल्स और बढ़ाने हैं, ये है हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्लेलिस्ट, उसे देख लो। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, फ्रॉम रणवीर एंड द टीम, लव यू, सी यू, गुड लक फॉर योर करियर।